खेले कूदे दौड़े संग नाचे कूदे झूमे संग खेले कूदे दौड़े संग नाचे कूदे झूमे संग मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आज से कोई 1500 साल पहले उत्तरी भारत में गुप्त वंश का राज्य था। 5 पीढ़ियों तक लगातार योग्य शासक उत्पन्न होने से गुप्त साम्राज्य काफी बड़ा और मजबूत हो गया था। कृषि, व्यापार, कला और विज्ञान सभी क्षेत्रों में बड़ी उन्नति हुई। जहां एक ओर साहित्य, संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिरों के निर्माण की कला में प्रगति हुई, वहां दूसरी ओर गणित, ज्योतिष, खगोल, चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब विकास हुआ। इन्हीं गुप्तवंशी राजाओं में से एक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास, तुमने पिताजी की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी? नहीं देव, महाराज समुद्रगुप्त का वह स्तंभ लेख तो प्रयाग में स्थित है और प्रयाग जाने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया है। अब उसे पढ़ने के लिए प्रयाग जाने की आवश्यकता ही नहीं। देखो, मैंने उसकी अनुकृति तैयार करवाई है। सुनो, लिखा है, महाराज श्री गुप्त के प्रपौत्र, महाराज श्री घटोत्कच के पौत्र, महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त के पुत्र एवं लिच्छवियों के दौहित्र, महारानी कुमार देवी से उत्पन्न महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त ने समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष में स्वर्ग तक पहुंचने वाली उनकी अमल कीर्ति के प्रतीक स्वरूप इस स्तंभ को स्थापित किया। वाह, क्या बात है, क्या प्रशस्ति लिखी है सांधे विग्रहिक कुमारामात्य महादंडनायक हरिश्वण ने। पिताजी की अमल कीर्ति को पवित्र गंगा जल के समान बताया है। तुम ही कहो कालिदास, क्या इसके जोड़ की उपमा खोज सकते हो? मैं तो प्रयत्न भर कर सकता हूं देव। जैसा कि मैंने रघुवंश के प्रारंभ में कहा है, क्व सूर्य प्रभवो वंश क्वचाल्प विषयामति तितीर्षुर दुस्तरम मोहात उडुपे नास्मि सागरम। कहां वो सूर्य से उत्पन्न महान वंश, कहां छोटे विषयों तक ही सीमित मेरी बुद्धि। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बड़े दुर्गम सागर को छोटी सी नौका से पार करने का प्रयत्न करे। धन्य हो कालिदास, इतनी बड़ी बात तुम्हारे जैसा महान कवि ही कह सकता है। ऐसा काव्य कौशल और इतनी विनम्रता। ये बताओ, रघुवंश महाकाव्य की क्या प्रगति है? बस पूरा हो चला है महाराज। और वो जो तुम एक नाटक लिख रहे थे शकुंतला और दुष्यंत की कथा पर, वो तो कविवर पूरा करके हमें सौंप भी चुके। अरे ध्रुव स्वामिनी, आओ आओ। पर कालिदास के उस नाटक का तुम क्या करोगी भला? वाह, वो नाटक ही क्या जो खेला ना जाए। मेरी अंतःपुरिकाएं उसके अभिनय की तैयारी में लगी हैं। सभी पात्रों का चयन हो चुका, बस दुष्यंत ही नहीं मिला अब तक। मेरे होते हुए दूसरा दुष्यंत खोज रही हो? आपको दुष्यंत बनाने से क्या लाभ। नाटक के मंचन से पहले ही सेना लेकर किसी विजय यात्रा पर निकल पड़ेंगे। और ये सब मैं किसके लिए करता हूँ? मैं क्या जानू, महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाने के लोभ से करते होंगे। नहीं स्वामिनी, तुम जानती हो मुझे राज्य का लोभ नहीं है। मैं आज भी जो नवीन विजय प्राप्त करता हूँ वो गुप्त वंश के भावी सम्राट के लिए है।
वरना मुझे तो कवि कालिदास की कविता वराह मेहर का नक्षत्र लोक और देव मंदिरों का निर्माण कहीं अधिक प्रिय है। अच्छी याद दिलाई, मैं यही पूछने आई थी कि कुमार को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का मुहूर्त निश्चित हुआ या नहीं। इसके लिए मैंने आचार्य वराह मेहर को कहला भेजा था, वो आते ही होंगे। लीजिए, वे आ ही गए। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो। आचार्य, कुमार गुप्त को युवराज बनाने की कोई तिथि निर्धारित की? कुंडली से गणना करके देखा है देवी, 2 मास बाद शुक्ल पक्ष द्वितीया को शुभ मुहूर्त है। 2 मास 60 दिन, इतना सारा काम है, सारी तैयारियां करनी होंगी, इतने कम दिनों में इतना सब कैसे हो सकेगा? लो कवि, अब तुम्हारा नाटक तो हो चुका। क्या कोई और नाटक लिखा है सर कालिदास? जी हाँ आर्य, अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा लिखते हो भाई, बहुत अच्छा लिखते हो। आप आजकल क्या कर रहे हैं आचार्य? आपकी पंच सिद्धांतिका तो मैंने देखी थी, फलित और गणित दोनों ही प्रकार के ज्योतिष का सुंदर विश्लेषण किया है आपने। और केवल आर्यावर्त में प्रचलित पद्धति का ही नहीं, यवनों के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है आपने, इससे आपके ग्रंथ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लगता है लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे दरबार के रत्नों के नाम से ही याद रखेंगे। आचार्य वराह मेहर, कवि कालिदास, वैद्यराज धनवंतरी, कोशकार अमर सिंह, ये सब मेरी कीर्ति के ध्वज बनेंगे। ये तो आपकी विनम्रता है राजन, अन्यथा हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसे गुणग्राही राजा के समय में हुए। आपकी उदारता के कारण ही तो हम निश्चिंत होकर अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। जानते हैं कि इस विषय में सोचना महाराजाधिराज चंद्रगुप्त का कार्य है, हमारा नहीं। सच ही, आपके उत्तम राज प्रबंध को देखकर ही मैंने रघु के विषय में लिखा है, प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्कृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। अर्थात वे राजा अपनी प्रजाओं की भलाई के लिए ही उनसे कर वसूल करते हैं, जैसे कि सूर्य जलाशयों से पानी सोखता है मगर फिर उसे 1000 गुना अधिक करके उन्हें लौटा देता है। हमें चाहिए कि हम भी अपने राजा की कीर्ति को चिरस्थाई बनाने के लिए कुछ करें। मैं चाहता हूं किसी वस्तु का स्तंभ बनाया जाए। आप ही बताइए किसका। वो मैं देख लूंगा, लोहे में कुछ दूसरे खनिज मिलाकर उसे चिरस्थाई बनाने का प्रयोग कर रहा हूं, उसी से स्तंभ गढ़वाऊंगा। तब तक तुम उस पर लिखी जाने योग्य प्रशस्ति रच डालो। महाराज चंद्रगुप्त की प्रशंसा में शब्दों की क्या कमी आचार्य, सुनिए। यस्योद्वरतयतः प्रतीप मुरसा शत्रून समेत्यागता वंगे श्वाहववर्तिनोभिलिखिता खड्गेन कीर्तिर्भुजे। चार श्लोकों वाली ये प्रशस्ति जिस लोहे के स्तंभ पर खुदी है वो सैकड़ों वर्षों की धूप वर्षा झेलकर भी वैसा का वैसा खड़ा है। जब तक इस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख को पढ़ा नहीं गया था तब तक इसे दिल्ली के पास मेहरौली में बनी कुतुब मीनार और उसके आसपास के मुस्लिम स्थापत्य से संबंधित माना जाता था, पर अब अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि ये लौह स्तंभ गुप्त काल का है और इस पर लिखी हुई प्रशस्ति का राजा चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन ममता गुप्ता, आलेख शुभ्रा शर्मा, कलाकार नीरज शर्मा, सुरेंद्र सेठी, जैमिनी कुमार, मंजू मैनी और वीना होरा, ध्वनियांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।